साधुओं का जैसे जटा जो है ना, उसके अंदर में
करें आपके तो जू, लेकिन वो भी तो साधु को साथ में रहता है शहर में, लेकिन वो करता है कि अब लोग खून चूसता है उसका, वो खून चूसता है इसलिए उसको संग नहीं कहते। इसलिए संग मतलब होता है सम्यक रूप में अनुगमन करना, वो जैसे बोलते हैं जैसे करते हैं वैसे चलने को संग कहते हैं। इसलिए सतांग प्रसंगा कहते, वो कथा कैसे बोले मम वीर्य संविदो, वो जो कथा है बड़ा वीर्यवान बड़ा बलवान कथा है। इसलिए मन वीर्य संविदो कहते, वीर्यों का साथ में क्यों उदाहरण दिया है, इसका एक उदाहरण दे करके भक्त लोग ने समझाया। कहते एक लड़की की जब शादी नहीं होती है ना, कहते उसी समय अगर कहीं बात चलता हुआ होगा शादी कहाँ होगा है, शादी कहाँ होगी, अगर पिता माता कहीं बात करते हैं ना भैया शादी वहाँ पर होगी, फिर वो क्या होगा उसका मन वहाँ जाएगा, वो शायद वहाँ पर शादी होगी। लेकिन उसको पिता माता अगर और कहीं शादी देखते हैं ना, फिर उसका मन फिर और कहीं चला जाता है, वो शायद वो नहीं होकर के और कहीं जाता है, कि पैसा वाला व्यक्ति है उसको साथ में बात चल रहा है, वो लड़की का मन फिर उधर चली जाती है, उधर चली जाती है। लेकिन जब उसको पिता माता पूरा एकदम तो पक्की करके, जिसको सगाई कहते हैं हिंदी में, पक्की करके अग्नि को साखी करके, फिर अग्नि के साथ फिर लगा करके, जब पिता संकल्प करके जिस लड़के को अर्पण कर देती है, फिर वो लड़की को पता चलता है ये कौन है, ये मेरे पति है। पति है तो क्या करना पड़ेगा, अभी अपना तन मन सब कुछ पति को चरण में दे देती है, चरण में दे देती है। लेकिन जब तक तो उसको शादी नहीं होती है ना, उसका मन इधर उधर भटकती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है। शादी के बाद में फिर उसका मन पक्की हो जाती है, फिर उसकी जब गर्भ में बच्चा आ जाए, तो लड़की गर्भ में बच्चा आ जाती है, फिर तो उसको बाद में तो पूरा वो क्या करती है, वो पूरा बच्चे को प्रति ध्यान देती है, उसका मन और इधर उधर नहीं जाती है, मेरे बच्चा है जब गर्भावस्था धारण करती है, मेरे बच्चा है अभी, ये बच्चे को ही मेरा लालन पालन करनी चाहिए, हमारे बच्चा के प्रति उसका आसक्ति बच्चे में हो जाती है। लेकिन उसको पहले क्या होती है, उसका मन इधर उधर भटकती रहती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान के तो माँ, लेकिन ऐसे ही जब साधु संग से जब हमारी पूरा सगाई होकर पक्की हो जाती है साधु संग में ना, क्या हो जाता है, हमारे पति कौन है, बोले हमारे पति कृष्ण है, प्रदान करते हैं कृष्ण मंत्र, प्रदान करते हैं कृष्ण मंत्र, प्रदान करके क्या उसका स्लो हो गया, नहीं अब नहीं, अब की बात नहीं हो सकती। इसलिए इसलिए क्या होता है, फिर उसका मन साथ जो गुरुदेव क्या करते हैं भगवान को साथ में उसकी दीक्षा मंत्र को साथ में उसको संबंध को उसकी जोड़ देते हैं, जब जोड़ देते हैं ना फिर तो उसको पता चलता भैया हमारी इष्ट कौन है, कहते इष्ट हमारी श्री कृष्ण ही हमारी इष्ट है, कम हो रहा है नहीं, बाकी तो ठीक है। छोड़ दो। अब बोल सकते हैं, मैं सिर्फ ऐसे भी ठीक हुआ। फिर तो वो कृष्ण के साथ में उसका संबंध जब बन जाती है, फिर पता चलता है भैया कृष्ण ही मेरे हमारे पति है, हाँ अभी इनके चरण में ही अपना तन मन सब इनकी चरण में हमें लगा देनी चाहिए, हाँ फिर उनकी सेवा उनकी पूजा उनकी भक्ति उनका नाम उनका रूप उनकी लीला उनका गुण में ही अपना संपूर्ण मन उसमें लगा देती है। इसलिए सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो, वो कथा बड़ा वीरजवान कथा है, वीर्य संविदो कथ भवंती हृदय कर्ण रसायन कथा, वो कथा कैसे है, हृदय और ये कान को ए रस देने वाली कथा है। इसलिए कभी जो कान का एक स्वभाव है, बोले कान का क्या स्वभाव है, कि कान को देखो तो कैसे कान बना है, दोना जैसे बना है ना, जैसे किसी दोने से कब से हम कोई चीज पान करते हैं, देखो ये कान भी दोना जैसे बना है, बोले किसी लिए बनाया,
भक्ति रस को पान करने के लिए। इसलिए ये कान का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, रस पान करना। कोई रसली कथा सुनो भगवान की, मन प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है। इसलिए कान की स्वभाव है, कहीं कहाँ रस मिले, कहाँ रस मिले, कहाँ रस को ये ढूंढता है। इसलिए कहले भगवान की ये कथा, कहते असली रस किसी में है, कहते रस वैसा रसम जवायम लब्धानंद होत। असली जो रस है वो भगवान में ही असली रस है। इसलिए कहते जो कथा कैसे है, बोले हृदय और जो कान है ना, कहते ये दोनों को रस देने वाले ये कथा है। कर्ण रसायन कथा है, वो क्या करता है, आंसू अपवर्ग वर्तमनी। अगर ऐसी जब हम कथा सुनते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे सबके सब अनर्थ को ये नष्ट कर देता है। इसलिए अपवर्ग वर्तमनी, प वर्ग मतलब प फ ब व और म, इसलिए प मतलब परिसर, फ मतलब फेंड झांक, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। अगर भगवान की कथा सुनेंगे तो बस पांच चीज को समाप्त कर देता है। इसलिए अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति और भक्ति, धीरे धीरे श्रद्धा फिर भाव फिर भक्ति प्राप्त करा के धीरे 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 भगवत प्राप्त करा देता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वैकुंठ कथा है ना, ये शब्द वैकुंठ है ते जगत अवतरना है, जो कथा वैकुंठ से जो कथा आती है सही शब्द ही आमादि के वैकुंठ ले आ जाए, तभी वो शब्द हमें वैकुंठ ले जाएगा। अगर वैकुंठ का कथा नहीं होगा ना, फिर हमें वैकुंठ नहीं ले जा सकता है, और कथा वैकुंठ नहीं ले जा सकता है। इसलिए 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 तो कहते हैं ना, कथा सुनने कहाँ से चाहिए, कथा अवैष्णवम कद कीर्णम उत्तम हरि कथा मृतम श्रवणैव नैव कर्तव्यम सर्वोच्चेष्टितव्य। इसलिए कथा केवल वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जाहो भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणी, फिर चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग, तब तो बुझे तुम्हें सिद्धांत तरंगा। फिर सिद्धांत का तरंगा कब समझोगे, बोले जब वैष्णव से कथा सुनोगे। बोले कौन सा वैष्णव, वैष्णव तो चार वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, फिर चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग, जो नित्य जो संग करोगे, जो चैतन्य महापुरुष का भक्त उनके संग करो, हाँ उनके संग से क्या होगा, तभी तो बुझिए तुम्हें सिद्धांत तरंग। सिद्धांत का जो तरंग है ना, जो रस है, कहते महाप्रभु का भक्त से ही तब तुमको वो रस प्राप्त होगा, हाँ पूर्ण रस महाप्रभु का भक्त से। जैसे देखो, जैसे भागवत का प्रथम श्लोक है, हाँ प्रथम श्लोक है, उस श्लोक में क्या बताया, बोले जन्मादस्य यतो नया दितरतस्य, उसमें उस श्लोक में कहते सत्यम परम धीमहि। देखो एक ही श्लोक है, उसका कितने भेद कितना हो जाती है। कहते एक श्लोक है, लेकिन जब उस यही श्लोक को जब साधारण लोग पढ़ते हैं ना, ये श्लोक जो जिसको पूजा करता है उसमें लगा देता है, जो शिव को उपासना करता है शिव में लगा दिया, जो दुर्गा को उपासना करता है दुर्गा में लगा दिया, लेकिन जो कृष्ण उपासना करते हैं कहते उस श्लोक को कृष्ण में लगा दिया। कहते श्री वल्लभाचार्य कहते हैं सत्यम परम धीमहि, कहते परम सत्य कौन है, बोले कृष्ण है। उदाहरण देते हैं, हाँ परम सत्य, जब कृष्णा देव की गर्भ में आए तब 33 करोड़ देवता एक साथ में बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य। जब देव की गर्भ में आते हैं सारे देवता लोग एक साथ में स्तुति करते हैं, परम सत्य कौन है, बोले कृष्ण है। लेकिन जब यही श्लोक को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं, बोले नहीं केवल कृष्ण को नहीं, सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर जो परम शब्द है वो उदाहरण देते श्री राधा रानी के लिए, हैं वो कहते देवी कृष्ण राधा रानी के लिए आया। इसलिए जन्मादस्य जत, जन्मादस्य जत मतलब यही शब्द को श्री वल्लभाचार्य कहते जिनसे सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, एक अर्थ है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते नहीं, जन्मादस्य जत, जत जन्म आद्य, आदि रस जिनसे प्रकट होता है, आदि रस किया
श्रृंगार रहे बोले जिन चाहिए श्रृंगार।